सबसे पहले मैं बता दूं, मैं किसी की कमियां नहीं देखता हूं, मैं कमियां देखता हूं उस जगह की जहां मेरे को काम करने का स्कोप मिले। जब तक आप सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं करोगे मोबाइल फ़ोन भी हैंग हो जाता, चलने नहीं लगता है। तो कहीं ना कहीं मैं ये बात जरूर कहूंगा कि सभी तो विधानसभा के अंदर एक अपडेट की ज़रूरत है। नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान नाइन न्यूज। मैं बात करूं हरियाणा के सफीदों विधानसभा के अंदर, सफीदों विधानसभा के अंदर बीजेपी से उभरते हुए युवा चेहरा कैप्टन योगेश जी इस वक्त हमारे साथ है, और गांव में ये प्रोग्राम था तो गांव में इनसे बातचीत करने की कोशिश की, तो इनसे बातचीत कर लेते हैं कि कैसे इस बार चुनाव को लेकर जो अभी तक का जो सफ़र है वो कैसे रहा। सबसे पहले स्वागत है जी हमारे चैनल पर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को, आपके जितने भी व्यूवर्स जो देख रहे हैं, आप सबको मेरी तरफ से प्रणाम, जय श्री राम। अच्छा, सबसे पहले सवाल मेरा यही है कि एक तो आप युवा हैं, बहुत सारे जो आपके विधानसभा के जो लोग हैं उन्हें आपकी उम्र का अभी अंदाज़ा नहीं है, हालांकि मुझे भी नहीं पता है कितनी उम्र है, क्योंकि युवा है और बहुत बड़े बड़े दिग्गज हैं जो काफ़ी नज़र जमाए हुए हैं आप पर। तो सबसे पहले तो उम्र बता दीजिए, उम्र कितनी है आप? उम्र तो सिर्फ एक नंबर है, कभी छोटा है कभी बड़ा है, बट ये है या जितना उम्र है इतनी उम्र के कई मल्टीपल में आ रहे थे, विकास होने वाला है, मल्टीपल में विकास करवाएंगे जमा, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, बात की जाए सुभाष गंगोली जी विधायक रहे, क्या कुछ ऐसा नज़र आया जो आपने भी सोचा कि भाई साहब विधायक जी ने ये काम नहीं किया है, मैं खुद उतरता हूँ मैदान में, या फिर बात की जाए विकास की कि मेरे मुझे आते यहाँ पर ये कुछ विकास करना है, और जो ये समस्याएँ हैं खासकर गरीब लोगों की बात कर लीजिएगा या फिर गांव देहात की बात कर लीजिएगा, गलियों की, सड़कों की, तो कैसे मन में आया और कैसे कमियां जो है सुभाष गंगोली जी में नज़र आई? सबसे पहले मैं बता दूं, मैं किसी की कमियां नहीं देखता हूं, मैं कमियां देखता हूं उस जगह की जहां मेरे को काम करने का स्कोप मिले। जितने भी अभी तक उम्मीदवार आए हैं और जितने भी यहाँ नेता बन के जिनको आशीर्वाद मिला है, उन्होंने अपनी सोच समझ के हिसाब से जो भी काम करा है समाज हित के लिए करा है, चाहे वो छोटी सी ब्रैकेट में करा है या भी बड़े लेवल पे करा है। मेरा जो आकलन करने का जरिया थोड़ा सा दूसरा है। आकलन करने का जरिया कहने का मतलब यह है कि चाहे काम छोटा हो बड़ा हो, हर काम को एक तरफा शुरुआत से लेकर के और लास्ट तक, जी जैसे कहते ना A to Z की जो CD जो कि इंग्लिश अल्फाबेट्स हुआ करते हैं, कि मेरा काम यह नहीं है कि बीच में से KLMN से चालू करना, मैं स्टार्ट करूँगा ABCD से। ABCD में जो जो मेरे काम कंप्लीट होते जाएंगे गांव के, वो गांव मेरा मजबूत होता चला जाएगा, चाहे उसमें किसी भी नेता ने कोई भी काम करा हो, लेकिन जेड तक लेकर के जाना वो मेरा काम है। तो मेरी कार्यशैली थोड़ी सी दूसरी तरीके की है। रही बात है कि काम को लेकर के मैं जमा समर्पित हूँ। अब तक जो है कि अपने हलके के अंदर सफीदों विधानसभा में लगभग 1200-1200 परिवार को जो है कि भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं सारी धरातल पे उतार चुका हूं, जिसको लेकर के जो समाज के लोग बहुत खुश हैं, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे वो सोलर पैनल के हो, चाहे वो जो है कि अंत्योदय के अंदर कोई भी हो, हैप्पी कार्ड हो, कोई भी सुविधा क्यों ना से। अभी रिसेंटली जैसे शौचालय के जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, हर चीज़ को लेकर के काम कर रहे हैं, और इसके अलावा जो भी मेरे को वैसे समाज के जो भी काम मिल रहे हैं उसको भी मैं एक तरफा लेकर के चल रहा हूँ। मैं ये जमा बिल्कुल नहीं कहलवाना चाहता कि चलती नहीं है या हाथ खड़े कर दूं या मेरे को पहले आप बनाओ, ऐसा कुछ नहीं। अपने सामर्थ्य के हिसाब से, अपनी आज की जिस हिसाब से मेरी जो कैपेबिलिटी है, जो मेरी एक पकड़ है, पकड़ के हिसाब से जो भी मैं कर सकता हूँ, मैं समाज हित के लिए काम कर रहा हूँ। अच्छा, बात की जाए, देखिएगा मैं किसी गाँव में सर्वे कर रहा था और वहाँ पर पता चला कि वहाँ के जो युवा हैं, खासकर आपका नाम ले रहे थे कि इस बार शायद योगेश कैप्टन जी युवा हैं, युवा सोच रखते हैं, वो आ जाए तो बेहतर होगा। मैं बात करूँ रोजगार मेला आपने मन में कैसे आया, या फिर बात की जाए ऐसे कैसे सोचा कि खासकर अब बात की जाए प्लस टू टेंथ जो पढ़े लिखे युवा हैं, अभी नौकरियां वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, तो आपने रोजगार मेला लगाया, वहां पर भी काफ़ी अच्छी भीड़ और युवाओं की एक अंदर से सोच जो है आपके प्रति कुछ अलग नज़र आई, तो कैसे ये सारी चीज़ें लेकर के चल रहे हैं? ये मैं बता देता हूँ, जब से मैंने फ्रंट फेस पे आकर के कैंपेनिंग चालू करी थी, जी शुरुआत के दौर में कुछ लोग मेरे को जानते थे कुछ नहीं जानते थे, तो लोगों से मैं मिला था, और बीइंग ए यूथ, युवा होने के नाते जो जितने भी यूथ है ना, वो ऑटोमेटिकली मिल जाता है, वो अपने मन की बात कहने लग जाता है। पहले तो जो है
थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, जो उनके साथ में कहने कंधे पे हाथ रखते हैं तो फिर अपना देखो एक एज का भी मैटर करता है, तो उनसे मैं पूछ लेता हूँ कि क्या परेशानी है क्या नहीं है जी। तो जब मैं धीरे धीरे थोड़ी 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 बातें मेरे को समझ में आने लगी, तो 70-80 बच्चों के स्टार्टिंग में ही काम करा दिए थे। उसके बाद में जैसे लोगों के बीच में आने जाने लगा, लोगों को मेरा मेरे को अपनाया, मैं उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरी सोच के साथ में वो चलने लगे। फिर यूथ के साथ में इंटरेक्ट होने लगा, मेरे को भी लगा कि संख्या कुछ ज़्यादा है, उनके लिए थोड़े से बड़े लेवल पे काम करना पड़ेगा। फिर टीम को मैंने उतारा है 20-22 कंपनी के साथ में टाइप को लेकर के, कि एक सिंगल डे जो है कि एक थोड़ा सा बड़ा हमने काम करना है जी। तो उस चीज़ को लेकर के यूथ की जो डिमांड थी उसको भी लेकर के काम करा, तभी रोजगार मेला लगाया। अभी इसमें कुछ खामियां मेरे को नज़र आई, क्योंकि मैं थोड़ा सा काम करता हूँ कि जो सबके लिए काम आए जी, कुछ खामियां इसमें लगी। अब थोड़ा सा सिलेक्टेड वेस पे काम होगा कि प्रोफाइलिंग जो बच्चा जिसके लायक है, चाहे जमा कम है लेकिन क्वालिटी के हिसाब से और मैंने काम करना है। तो अभी बहुत जल्दी ही रोजगार मेला 2 का भी आयोजन करने वाला हूँ। अच्छा, दोबारा से फिर अच्छा चलिए मैं बात कर लेता हूँ। देखिएगा, जैसे ही आप युवा हैं, आप सोच रहे होंगे कि आपके विधानसभा के अंदर अभी जो है लोग आपको अच्छे से जानने लग गए हैं। मैं बात करूँ तो आपको सफीदो विधानसभा से बाहर के भी जो लोग हैं आपके सफीदो विधानसभा के अंदर आप पर नज़र टिकाए हुए, क्योंकि एक तो आप युवा हैं और पहले कभी कुछ ऐसा जो है देखा नहीं था कि युवा चेहरा है और इस तरीके से बड़े बड़े नेता जो है अब उस पोजीशन में नहीं है कि जिस तरीके से वो अपने आप को समझते थे, क्योंकि एक नए लड़के ने आकर के जो राजनीति है उसके अंदर एक अलग पहचान बना ली है और अलग खलबली मचा दी है। तो इसको लेकर के कैसे क्या कुछ सोच रहे हैं कैसे, क्योंकि मैं देखूं तो गांव से और बाहर जिनसे भी आप मिलते हैं तो एक अपार जो है लोगों की भीड़ नज़र आती है, लोगों का समर्थन नज़र आता है। तो क्या लगता है टिकट के प्रति कैसे आश्वस्त हैं कि टिकट इस बार जो है आपका ही होने वाला है? सबसे पहले मैं बता दूँ, टिकट का डिसीजन तो भारतीय जनता पार्टी के जो आला अधिकारी हैं ऊपर की कमान उन्होंने लेना है जी। रही बात है कि समर्थन को लेकर के जो समाज है वो सभी को देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि मेरे को अकेले की तरफ देख रहे हैं, वो सभी को देखते वो आ भी रहे हैं। इस बार जो है कि कहते हैं ना कि जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा जी, कि समय के हिसाब से मोबाइल फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है सॉफ्टवेयर अपडेट को लेकर के जी। जब तक आप सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं करोगे मोबाइल फ़ोन भी हैंग हो जाता है, चलने नहीं लगता है। तो कहीं ना कहीं मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि सफीदो विधानसभा के अंदर एक अपडेट की ज़रूरत है, और चाहे कोई भी हो यूथ के फेस के अंदर, अगर कोई डिजर्विंग हो जो काम कर सकता है, हल्के को आगे लेकर के जा सकता है, दिन रात काम करने के लिए बिल्कुल पाबंद है, तो उनको भी साथ साथ लेकर के चलना चाहिए। रही बात है मेरी, मेरे को तो 24 घंटे में जिस भी सेकंड में आप कॉल करके बुलाना चाहो मैं अवेलेबल रहूँगा। रही बात है काम की, अभी भी अपनी सामर्थ्य के हिसाब से मैंने आपको काम बताया वो भी किए हैं, और आने वाले समय के अंदर काम की कोई कमी नहीं आने दूंगा यार। चलिए, एक दोबारा से फिर अभी कभी मिलते हैं, फिर आपसे इंटरव्यू करेंगे और लोगों की जो समस्याएं हैं खासकर जो लोगों के सवाल हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। तो एक छोटा सा फिर दोबारा से कि घुमाइएगा मत प्लीज़, आप अपनी एज बता दीजिएगा। बहुत सारे दर्शक हैं जो जानना चाहते हैं कि भाई साहब एक इतने यंग लड़का है और अभी तक पता ही नहीं है कितने साल का है। मेरी जो एज है 35 ईयर्स है, 35 साल है। बहुत सारे बड़े बड़े जो नेता हैं हिला दिए हैं आपने विधानसभा में। मैंने हिलाया किसी को भी नहीं है ना, मैंने सिर्फ अपना काम करा है और लोगों का आशीर्वाद है, और मेरे बड़े जितने भी नेता हैं यहाँ उनका भी मेरे को आशीर्वाद मिल रहा है, उनका भी सहयोग मिल रहा है। ऐसे नहीं कि वो मेरे सामने खड़े हैं, मेरे साथ खड़े हैं, समय समय के हिसाब से वो भी मेरे को रास्ता दिखाते हैं। और कोई ये कहता है कि नहीं मेरे सामने जो है कि गलत बात बोलते हैं, जो मैं बिल्कुल भी नहीं है, उनका प्यार जहाँ भी मैं मिलता हूँ हमेशा तारीफ करते हैं और मेरे को बोलते हैं कि बेटा ऐसे करके ये रास्ता और भी सुथरा है, इस पर आप चलो, और मेरे को सीख भी देते हैं कि बेटा हमेशा देखो राजनीति के अंदर जहाँ से भी आपको ज्ञान मिले, चाहे बड़े हैं या छोटे हो, किसी भी क्षेत्र में क्यों ना सही, वहाँ से ज्ञान लेना चाहिए, सीख लेनी चाहिए। उन्होंने मेरे को बोलते हैं कि बेटा कुछ भी करो, किसी भी मुकाम पे आप जाओ, लेकिन भाईचारे के साथ में आपने रहना है। चलिए, आप वैसे 35 बता रहे हैं लेकिन चेहरे और मुस्कुराहट से 16-17 के लगते हैं। चलिए, फिर कभी इनसे मुलाकात होगी, इंटरव्यू करेंगे और जो जनता के सवाल हैं वही आपको आपके जो है इनसे बातचीत करेंगे, कैसे क्या कुछ वो पूछना चाहते हैं। तो तब तक के लिए आप देखते रहिएगा हिंदुस्तान 9, मैं अश्विनी कुमार, जय हिंद।